फिल्म अभिनेता सोनू मिश्रा व सुरेश मीना उबली बालाजी धाम दर्शन करने पहुंचे। आने वाली फिल्मों की सफलता की मांगी मन्नत। राजस्थानी फिल्मों के अभिनेता व टीवी शो होस्ट करने वाले सोनू मिश्रा एवं राजस्थानी फिल्म अभिनेता सुरेश मल्टीमीडिया के प्रोड्यूसर सुरेश मीना किशोरपुरा उबली बालाजी धाम के दर्शन करने पहुंचे, जहां अभिनेता मिश्रा ने अपनी आने वाली हिंदी फिल्म रिजवान तथा मीना ने गत दिनों आंचल में ही शूटिंग हुई फिल्म बाबो भात भरियो गुजरी को सफलता की कामना की। इस दौरान बालाजी धाम के महंत अवधेश दास पुजारी पंडित जगदीश प्रसाद केसर देव खांडल ने इन अभिनेताओं को पूजा अर्चना करवाई और उबली बालाजी की प्रतिमा भेंट की। वहीं मंदिर परिसर में एक शिष्टमंडल ने इन्हें शहीद आजम भगत सिंह का फोटो भेंट कर दुपट्टा उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। मिश्रा ने राजस्थानी फिल्म महाराज श्याम धनी दातार धन्ना जाट एकजुट बिनानी जैसे फिल्मों के बाद अब हिंदी फिल्म रिजवान से बॉलीवुड में दस्तक दी है, जिसकी शूटिंग साउथ अफ्रीका में करके क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के दर्शन करने पहुंचे थे। आपका हमारे इस झुंझुनू की धरती पे आने का उद्देश्य? देखिए, झुंझुनू शहर जो है वो मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि मैं खुद शेखावटी से हूँ, पहली चीज़ ये है। दूसरा ये है कि झुंझुनू शहर के अंदर मैं उबली का धाम आया हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं खुद बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और जहाँ पे भी बजरंगबली मुझे नज़र आते हैं मैं वैसे ही भागा भागा आ जाता हूँ। तो यहाँ पे तो मैं पहली बार आया हूँ और मेरा मन करता है कि मैं बार बार आऊँ यहाँ पे, और ये मैं डेफिनेटली ये श्योर है कि मैं जब भी झुंझुनू आऊँगा यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। और दूसरा रीज़न ये है कि झुंझुनू में काफ़ी सालों से आता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्टर के साथ मैं एंकर भी हूँ। मेरा एक दोस्त है जो यहाँ पर डांस क्लास चलाता है, हरीश शर्मा नाम है, उसने पहली बार मुझे झुंझुनू बुलाया था, तो उसको श्रेय देता हूँ मैं। उसकी वजह से मैं झुंझुनू से मेरा इतना प्यार है, और यहाँ पे मुझे लगता है मैं कम से कम 100 स्टेज मैं कर चुका हूँ यहाँ पर, 100 बार एंकरिंग कर चुका हूँ यहाँ पे झुंझुनू शहर में। तो मैं कह सकता हूँ बच्चा मुझे प्यार करता है यहाँ का। और अभी आपकी फिल्म कौन सी चल रही है? अभी मैं हाल ही में मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसका नाम है रिजवान, उसकी शूटिंग हम अफ्रीका में करके आए हैं, और अफ्रीका के बाद अभी कुछ ही वक्त पहले अफ्रीका से मैं आया हूँ। अफ्रीका से सीधे यहीं आ रही हूँ। हाँ हाँ, तो अफ्रीका से आते ही मैं राजस्थान आया हूँ, मुंबई से राजस्थान आया हूँ। राजस्थान आके झुंझुनू आया हूँ, झुंझुनू आते ही उबली का धाम आया, तो रिजवान नाम है फिल्म का और वो अगले साल रिलीज होगी। तो अभी आपने आते आते बालाजी महाराज को ही किस उद्देश्य से चुना है? मैंने नहीं चुना, बालाजी ने मुझे चुना है, बालाजी ने खुद ने मुझे बुलाया है, मुझे ऐसा लगता है उनका बुलावा है तभी मैं इधर आया हूँ। क्योंकि वो आपने सुना होगा कि हनुमान जी ने बोला कि मेरा सीना चीर के देखो आपको राम मिलेंगे, मैं बोलता हूँ मेरा सीना चीर के देखो आपको हनुमान मिलेंगे। आप एक राजस्थानी फिल्म के अभिनेता हैं और साथ में प्रोड्यूसर भी है, तो आप आज यहाँ उबली बालाजी महाराज स्थान पे आप आए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उबली धाम इस क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरी शेखावाटी का प्रसिद्ध धाम है, और यहाँ पर आज जो हम मन्नत मांगने के लिए आए हैं, मत्था टेकने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो इसलिए भी आए हैं कि हमारी आने वाली दो फिल्में जिनकी हाल ही में शूटिंग हुई है, मेरे एक साथी युवा जिन्होंने बहुत सारी राजस्थानी फिल्में बनाई हैं, एजुकेट बिन्नी धन्ना जाट इत्यादि फिल्मों के बाद में उन्होंने बॉलीवुड में दस्तक की है, और फिल्म रिजवान जो हिंदी फिल्म है और जिसकी शूटिंग साउथ अफ्रीका में हुई है, हमारे साथी साउथ अफ्रीका से शूटिंग करके और सीधे बालाजी धाम से होते हुए विभिन्न धार्मिक स्थलों पे मन्नत मांग रहे हैं।